दिल्ली की मंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा कि अगले एक या दो दिनों में यमुना में जहरीला झाग साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नदी में गंदा पानी छोड़ने पर रोक लगाए। आप नेता ने सुबह बुराड़ी छठ घाट की जांच पड़ताल के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने छठ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए हैं। देखिए, उस फोमिंग को दूर करने के लिए कई सारे फूड ग्रेड केमिकल्स, कई सारे एंजाइम्स को का छिड़काव हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की टीम्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम्स अब नाव के माध्यम से वहां पे उस पूरे एरिया में उतरी हुई हैं। आने वाले एक से दो दिन में उस फोम को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करूंगी कि ये जो सारा पानी कालिंदी कुंज में आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के कनाल से, उत्तर प्रदेश की बराज से आ रहा है, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि वो अपना प्रदूषित पानी दिल्ली ना भेजें। चार दिन के त्योहार में श्रद्धालु उपवास करते हैं और आखिरी दो दिन सूर्य देव को अर्घ देते हैं। त्योहार 17 नवंबर को शुरू होगा। लोग बुराड़ी जैसे घाटों पर प्रार्थना करने के लिए जुटते हैं।